इस वीडियो ने अगर तुम्हारे अंदर आग नहीं फैलाई तो चैनल को डिसलाइक मार के छोड़ देना। अगर आग लगी तो नाम याद रखना, मंडल मोटिवेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किताब खोलते ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, ध्यान लगाने की बहुत कोशिश करता हूँ पर ध्यान लगता ही नहीं है, फोकस नहीं हो पाता, यार क्या करूँ। एग्जाम की तारीख बहुत नज़दीक आ गई है, बस एक महीना रह गया है यार, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। एक घंटा पढ़ने के बाद नींद आने लगती है और गांडूपन चीज़ें करने का मन करता है। किचन में जाके पानी पीता हूँ फिर भी आंखों में नींद सी लगी रहती है। बेटी जो डिस्ट्रैक्शन ही आता है सिर्फ, पढ़ाई हो ही नहीं पा रहा है। तो मेरे भाई रुक रुक, ये तेरी सोच है ना, यही तुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तेरे दिमाग का काम है सिर्फ मजे मारना, सिर्फ मजे, क्योंकि जब तक किसी काम करने में मजा आता है तब तक तू उस काम को पूरी तरह से करेगा, और जैसे ही उस काम में मजा खत्म तो तेरा ध्यान खत्म और तेरी वाट लग जाती है, और ये टेम्परेरी मजा ही तुम्हारी सजा बन जाती है। लेकिन बस बहुत हुआ, तू खुद को हीरो मानता है ना, तो उठ, इस डिस्ट्रैक्शन की फाड़ के रख दे, अपने ख्यालों से बाहर आ, अपने सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, व्हाट्सअप, गर्लफ्रेंड, इन सभी चीज़ों से बाहर आ और अपने लक्ष्य को समझ, क्योंकि वही तुझे आगे लेके जाएगी। पर यह तभी होगा जब तुझे खुद को नहीं अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। जी हाँ, और यह तभी होगा जब तू जितने भी टफ चीज़ें करेगा, मतलब कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा, अपने माइंड को उन सभी चीज़ों के करीब ले जा जिसे तुझे करने का मन नहीं करता, फिर देख तू उसी चीज़ में आगे बढ़ेगा। मीन्स स्टडी के करीब ले जा, कुछ सोचने पे मजबूर कर दे अपने माइंड को, कुछ नया सीखने के लिए पागल कर दे, अपने माइंड को इतना ट्रेन कर ले कि इसको सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट कर दे और दिखा दे लोगों को कि तू एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा। और फिर देख तुम एग्जाम और सिलेबस की फाड़ के रख दोगे, और वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, बोरिंग सब्जेक्ट में टॉप करके। एजुकेशन का दर्द सहो और मन पे काबू पाओ और कदम बढ़ाते रहो, सब कुछ हासिल होगा, बस दिमाग में मुश्किल चीजें करना का जिद डालो, क्योंकि एक यही चीज है जो तुम्हें सक्सेस दिलाएगी। एक बात जान लो, उम्र भले ही तुम्हारी छोटी हो लेकिन तुम्हारी सोच तुम्हारी उम्र से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि फर्क तुम्हारी सोच से पड़ता है, उम्र से नहीं। पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना, सो कोशिश करते रहो और कभी हार मत मानो। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट।